इसलिए सूरज जीवन का सूरज डूबते डूबते जा रहा है, उस अंत पे आए उनको पार होकर गाना, इसलिए पार होगा, इसलिए जल्दी जल्दी आओ। बोले तो बात से बता रहा, जल्दी जल्दी भगवान को हाँ में जाना, समय का कोई ठीक नहीं, कब शरीर छूट जाएगा कोई ठीक नहीं। उन्होंने आ गए, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक अर्थ रूप में लिया। फिर क्या हुआ, एक दिन तो ये हो गया, दूसरे दिन में वहाँ पर धोबी होते हैं, पहले जो धोबी गांव में होते थे वो क्या करते थे, पूरा गांव के कपड़ा ले करके जो एक केले का वृक्ष होता है, उस केले का वृक्ष को जलाते थे, जला करके, और जो अकंद जो वृक्ष उसको जलाने पर उसका जो राख होता है वो पाउडर का काम करता है, छोड़ा का काम करता, बड़े उसमें तेज है, उसको कहते हैं जो बंगला में उसको कहते हैं बासना, वो जो केले का पेड़ का जो ये होता है उसको कहते हैं बासना कहते हैं। एक धोबी ने कह रहे हैं भैया ये बासना में आग लगाओ, बासना में आग लगाओ। फिर उनने बोले ये तो बात सही बता रहे हैं, अब देखना ये संसार ऐसे के स्थान है, तुम सोचोगे ये काम अगर ख़त्म हो जाएगा ना हम जीवन में चैन मिलेगा, देखना वो काम तो तुम्हारी ख़त्म नहीं हुई, एक समस्या गई नहीं दूसरी समस्या, हम सोचते हैं किसी तरह से ये समस्या को हल कर लेना फिर तो हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगा, अब देखना वो समस्या ख़त्म नहीं हुई, तीन समस्या सामने खड़ी हैं। वो तो थे जमींदारी, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी उनका जमींदारी वहाँ के, ये उसने देखा सचमुच से जो बासना जो इच्छा है ये धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, हैं ये तो घट ही नहीं रहा है बासना, कहते बासना में आग जलाओ, बासना में आग लगाओ, बासना में कहते सही कहते हरी बासना में आग लगाओ क्योंकि बासना के कोई ठीक अंत नहीं। उन्होंने और आघात लगा, बोले नहीं जल्दी जल्दी इस सारे प्रॉपर्टी को धंधा को छोड़े, बच्चों को समर्पण करें और भजन करने के लिए चलो। लेकिन जो उतर के आ गए अपना घर से उतर करके आकर मेन रोड में खड़े हुए, अभी और घर में नहीं, अभी वृंदावन चलते भजन करने के लिए, लेकिन वो मेन रोड में खड़े हुए थे, वहाँ पर जो मैं तारानी जो जो रास्ता साफ करता है ना रोड साफ कर रहा था, लेकिन लाला वो सोच रहे थे अभी भी थोड़ी जमींदारी है, हैं जमींदारी तो कभी ख़त्म नहीं होता है ना, कभी ख़त्म नहीं होता है, वो सोच रही है जमींदारी को पूरा ख़त्म करके चले जाए ना अभी चले जाए ना, और जो काम थोड़ी सी उसको निपटा करके जाए ना अभी चले जाए, मेन रोड में सोच रहे थे अभी क्या करे, सब छोड़े ना जाए वृंदावन भजन करने के लिए, और जो झाड़ू लगा रहा था रास्ता में बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ, लाला बाबू एक तरफ हो जाओ, बोले ये तो सही बता रहा है, कहते एक तरफ हो जाओ मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ ना ये काम को निपटा करके जाऊँ ना अभी वृंदावन में जाओ, बोले ये बात सही बता रहे एक तरफ में हो जाओ, बोले ये तो सही बताया है, तो मैं दो दो नाव में प्यार रखा हुआ, इसलिए उन्होंने पूरा एक तरफ में हो गए, बोले नहीं और नहीं ये वासना में आग लगाओ चलो वृंदावन, और सब छोड़ करके आए वृंदावन में। जब वृंदावन में आए लेकिन है तो जमींदारी पैसा कमाने, पैसा ना आकाश में उड़ रहा है लेकिन पकड़ने वाले चाहिए, पैसा तो उड़ रहा है उसको पकड़ने वाले चाहिए, इसलिए उसने पहले तो उन्होंने दुनियादारी के लिए किया, अभी साधु साधु संग कर रहे हैं, साधु संग में उसको ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ, बोले दुनिया के लिए जो गया तो गया तुम्हारी, वो तो मिलने वाले ही नहीं, संसार के लिए गया, लेकिन अगर तुम्हारी जितना जो चेष्टा अगर वो ठाकुर को सेवा में लग जाए, हैं जो दुनिया के लिए किया वो तो गया तुम्हारी, उससे कुछ मिलने वाले नहीं, लेकिन अगर वो चीज़ अगर भगवान की सेवा में तुम्हारी सारी चेष्टा लग जाए बस वो भगवत प्राप्ति का कारण हो जाता है, हैं इसलिए वो तो जमींदारी थे पैसा कमाना आता था, बोले अभी तो दुनिया के लिए मैंने पैसा कमाया अभी ठाकुर के लिए मैं पैसा कमाऊँगा, इसलिए उन्होंने पैसा कमाए और वहाँ पर बड़ा सुंदर उन्होंने मंदिर बनाया, हैं बड़े सुंदर अभी वो मंदिर है वृंदावन में, वो लाला बाबू का मंदिर नाम में प्रसिद्ध है। लेकिन उसी समय में जैसे लाला बाबू बहुत बड़ा जमींदार थे, और एक था सेठ जिसका नाम था जगत सेठ, वो भी बड़ा पैसा वाला था, ये भी पैसा वाला और वो भी दोनों पैसा वाला होने का नाते क्या होता था उनका अंदर में प्रॉपर्टी को लेकर के बड़े मामला मकदमा बड़े दिन तक चला था, बहुत दिन तक मामला मकदमा चला था। लेकिन वो अभी तो ये सब छोड़ करके आ गए वृंदावन में भजन करने के लिए, लेकिन वो जो जगत सेठ था अब वृंदावन में गए है ना, वहाँ पर जो रंगजी मंदिर जिसने ये रंगजी मंदिर बनाया वो जगत सेठ है,
और इन्होंने लाला बाबू ने लाला बाबू मंदिर बनाया है, दोनों ने दो मंदिर उन्होंने बनाए, आजू बाजू हाँ आजू बाजू में दोनों बनाए। अभी जगत से तो उसको विशाल मंदिर बनाया। अभी वो क्या करता था, वृंदावन में जो संत भजन करने के लिए आते थे उनको कहाँ खाना मिलेगा, ये अपना हाथों से उन्होंने रोटी और सब्जी संतों को देता था। भगवान को भोग लगा, अगर संत कहाँ से मिलेगा, अगर संत सेवा होगा तो संतों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि संतों के हृदय में भगवान का निवास है। अगर संत अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान हमारे ऊपर अपने आप खुश हो जाएंगे। दुनिया के लिए तो करते करते आया है, दुनिया तो कुछ देने वाले है ही नहीं, धोखा ही देगा, बेईमानी करेगा, इसलिए अभी करें हम संतों के लिए। इसलिए क्या करता था, रोटी सब्जी रोज संतों को देता था, अपना हाथों से देता था है। और वहाँ के जितने संत लोग आकर के रोटी सब्जी लेते थे, प्रसाद पाते थे, भजन करते थे, हरिनाम करते थे। लेकिन ये जो लाला बाबू सबके सब आते, लेकिन ये नहीं जाता था। बोले क्यों, बोले उसके साथ में मामला लड़ा ना, मामला भगत बड़ी दिन तक तो लड़ाई चला, अभी तो केस चला, अभी तो इसने तो भजन करने के लिए आ गया, लेकिन अभी उसको बात याद है, उसको साथ में ऐसे लड़ाई किया जमींदारी के लिए, इसलिए मामला मकदमा केस कोर्ट कचहरी किया, वो नहीं आता है। लेकिन राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, जो वृंदावन में भजन करने के लिए आते हैं, राधा रानी का कृपा नहीं होना कोई भजन नहीं कर सकते, राधा रानी का आशीर्वाद से ही भजन होता है वहाँ पर हैं। अभी राधा रानी ने देखा इसने इतना बड़ा प्रॉपर्टी छोड़ करके आया, अब मेरे लिए मंदिर भी बनाया हैं, लेकिन अभी इसके अंदर में थोड़ा कमी है, अभी अभिमान का कमी है, और उसको याद है उसको साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ। अगर भगवान की भक्ति करना है ना, हृदय से सारे ईर्ष्या द्वेष छल कपट हृदय से निकाल देनी चाहिए हैं, तभी भक्ति होगा, कपट हृदय से भक्ति नहीं होता है। इसलिए राधा रानी छोटी बालिका बन करके बोले, बाबा बाबा तुमने तो सारे राजपाट छोड़ करके आ गया भजन करने के लिए, अभी भी तुम्हारी हृदय में छल कपट है, अभी भी ईर्ष्या द्वेष तुम्हारी हृदय में है, क्योंकि जो जगत सेठ सब संतों को रोटी सब्जी देता है, लेकिन सब जाते हैं लेकिन तू नहीं जाता, क्यों, तुम्हारा याद है उसको साथ में हमारा ऐसे मामला मकदमा चली, ऐसे भजन नहीं होता है। बोले ये लाली तो सही कह रही है, तो छोटी लाली लेकिन राधा रानी थी, ये तो सही बता रही है। फिर उन्होंने गए, साधारण जो वैष्णव साधु लोग जिस लाइन में, कहाँ इतना बड़ा जमींदारी था है, साधारण लाइन में खड़े होकर के जब उन्होंने, जब उनकी बारी आया रोटी सब्जी दिए, जगत सेठ देखा, अरे लाला बाबू लड़ाई चला था ना बड़े दिन तक, बहुत बड़ा सेठ है, और मेरे पास में दो रोटी के लिए सब्जी के लिए मेरे पास में आया, भिखारी बने। जब उन्होंने ये चीज़ को देखा है ना, मतलब वो समझ गया इसने मेरी प्रति जो ईर्ष्या द्वेष उसने छोड़ दिया हृदय से, तभी तो मेरे पास में दो रोटी सब्जी के लिए आया ना, हाँ साधु बना, साधु बन गया। साधु साधु के लिए कोई अपना पराय तो होता ही नहीं, उनके लिए सब अपना होते हैं, इसलिए हृदय से उसने सब चीज़ को उन्होंने भूल गया। फिर तो दोनों दोनों को पकड़ करके आलिंगन किए हैं करके, हृदय में जितने ईर्ष्या द्वेष था सब हृदय से निकाल लिया, निकाल करके अभी शुद्ध हो गया, जो ईर्ष्या द्वेष को छोड़ दिया, फिर भजन करना शुरू किया। लेकिन जब भजन कर रहे थे, जब वो आए थे, वो जमींदारी थे, तो वो एक शरीर में एक बहुत बड़े कीमती कंबल था जिसको वो ओढ़ते थे, जो ओढ़ते थे लेकिन माधुगिरी करते थे, जैसे सनातन गोस्वामी का जीवन में आता है, वो बड़ी वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो बहुत कीमती कंबल लाए थे, महाप्रभु बारंबार उसको पर देखते थे, बोले भजने के लिए आया और इतने कीमती कंबल ओढ़ करके, और तुम जाते हो माधुगिरी के लिए, शोभा नहीं देता है। मतलब है जो भजन करने के लिए बैरागी बनने के लिए आए हैं, उनको जो जीवन है सिंपल जीवन उनकी होनी चाहिए, रईस जीवन नहीं होनी चाहिए उनकी, उनकी जीवन जितना सिंपल जीवन होनी चाहिए हो करके, अगर बढ़िया बढ़िया चीज़ पहने ना, फिर क्या होगा देखेगा, कहते जो बढ़िया खाता है तो अपना जीवन बर्बाद करता है, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया पहनते हैं ना, दोनों का जीवन बर्बाद, अपना जीवन और दूसरा का जीवन। क्यों, वो सोचता है आज जो बढ़िया कपड़ा पहना कोई देख रहे कि नहीं, आज इतना बढ़िया साड़ी पहना कोई हमें देख रहे कि नहीं, फिर शीशा को सामने खड़े होकर के हम कैसे देख रहे हैं, हाँ कैसे, वो सारे समय है ना, सारे समय उसका अंदर में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए राधा रानी ने किया कि फिर बालिका बन करके आई, बोले बाबा बाबा तुम माधुगिरी के लिए जाते हो लेकिन तू इतने कीमती कंबल पहनते हो, शोभा देता है क्या ये भजन के लिए? राधा रानी कितने दयालु, राधा रानी कितने कृपालु है, हाँ जितना हमारी अंदर में कमी होना सारी कमी को निकाल देती हैं। इसलिए
फिर जब उन्होंने ऐसे बोले बोले ये लाली तो सही बता रही हैं, ये लाली सही बता रही है, फिर उन्होंने वो कंबल को त्याग दिए, दे करके एकदम सिंपल जीवन को रखते हुए उन्हें भगवान की भजन करते हुए संसार से गए। इसलिए भजन में कह रहे हैं जीवन अनित्य जान सार ताहे नाना विध विपद भार। जो जीवन है ये अनित्य है, किस समय जैसे कमल पत्ते के ऊपर पानी रखने पर वो डगमगाता है, किसी समय गिर सकता है, ये जीवन भी ठीक वैसे है। जान सार ताहे नाना विध विपत्ति भार, एक तो कब खत्म हो जाएगा ठीक नहीं, फिर जीवन में तरह तरह का बाधा विपत्ति है, तरह तरह का जीवन में समस्या आ रही है। इसलिए क्या करो, हरि नामाश्रय करी जतन तुम्हें थाक अपना का जो क्या करो, भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण करो, क्यों अंतिम समय में यही जाने वाला है और साथ में कुछ भी जाना वाला नहीं, सब यही रह जाएगी। जितने भजन भक्ति कर रहे हैं यही भजन भक्ति ही साथ में हमारी चलने वाले हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ा भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नाही का आर जगत तब भुवन माझ। इसलिए कहते हैं क्या करो, कृष्ण नाम सुधा करिया पान, किस चीज का पान करो, बोले कृष्ण नाम रूपी अमृत को पान करो और जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। इसलिए जब हम कृष्ण नाम अमृत को पान करेंगे तभी ये हृदय जो जल रहा है ना संसार में, तभी ये हृदय जाकर शांत होगा, नहीं तो हृदय शांत नहीं होगा और किसी चीज की हृदय शांत नहीं होगी। भगवान भक्ति से प्रेम से ही हृदय हमारी शांत हो सकती है, हैं? इसलिए क्या करो, जुड़ा भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नाही कार, दुनिया में भगवान का नाम के सिवाय और जगत में कुछ भी नहीं है। 14 भुवन माझे, ये 14 भुवन में बीच में केवल भगवान का नाम ही सब कुछ सार, क्योंकि अंतिम समय में यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबको बात झूठा है, यही बोलेंगे ना। इसलिए वो भजन में भक्ति मोहन ठाकुर बहुत अच्छी अच्छी बात, ये जो बंगला जो भजन है ना बहुत अच्छी अच्छी भावना ये बंगला भजन में है। बोले कृष्ण देव भवंतम बंदे, कृष्ण देव भवंतम बंदे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पाद पंकज मकरंदे। जगन्नाथ का अष्टक निकाल दे, जगन्नाथ का अष्टक निकाल दे। कृष्ण देव भवंतम बंदे, कृष्ण देव भवंतम बंदे, अजद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। न तव नखाग्र मरीचि इदं मिच्छामि निशम्यत वाच्युत तदपि कृपा धूत बीति। तदपि कृपा धूत बीति। कृष्ण देव भवंतं वंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे, अभक्ति रुदन्ति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री। भक्ति रुदन्ति यद्यपि न त्वयि मम तिल मात्री, परमेश्वर ता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। कृष्ण देव भवंतं वंदे, अयम विलोलक आद सनातन कलिताद्भुत रस भार, अयम विलोलक आद निवसतु नीत मृहामृत निंदिनि बिंदन मधुरी मसार। कृष्ण देव भवंतं वंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे, राधे जय जय राधे जय जय माधव दैते।
अगो कुल तारुणी मंडल मोहिते जय राधे जय जय माधव दयिते दामोदर राते वर्धन बेसे हरिन स्फुट वृंदापिपने से दामोदर राति वर्धन बेसे हरिन स्फुट वृंदापिपने से जय राधे जय जय माधव जय वृषभानु दादे नव सहस्र लेखे ललित सखी गुण रमित विसाखे राधे जय जय माधव दयिते करुणा कुरुमाई करुणा भरीते कनक सनातन वर्णित चरिते जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा जगन्नाथ अष्ट का एक साथ में धर सुंदर बिपिना संगीत तरोल हरि बदन कमला स्वाद मधुप मर पति गणी सार्चित पद नत स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें परिचयो जगन्नाथ स्वामी नपथगामी भाव तुम्हें ये तन करु तेरे नील सितारे वचन प्रसादांत जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगा भाव तुम्हें तथारूढ़ गचन पति मिलिता वो देव पटल स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपद मोपा कर्ण सदय दया सिंधु बंधु सकल जगता सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें परम ब्रह्म पीड़ा कुबलयोदल फूल नयोन निवासी नीलाद्रौ नीत चर
अनंत शिरसि रसानंदी राधा सरसव भोरांगिलस्तु नत स्वामी नयन पतगामी भवतु मे अभयच राजम न च कनक अनेक विभवम न च जचयाम तन्न सकल जन कमन भर काले काले प्रमत पति नाम गीत चरितो नत स्वामी नयन पतगामी भवतु मे हर त्वं संसारम दुष्ट हर त्वं पपानं विततिमत् यादव पते अहोदिननाथ नीत चरो निश्चितमदं जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथशकं पुन्नज पठेत् प्रजत सुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति बलदेव सुभद्रा जय विजय सुदर्शन और कोई अष्टक नमामि स्वर गाल 204 पेज पर नमामि स्वर सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल ब्राजमान यशोदा बियालोक लब्धमानम परामृष्ट माता तत द्रुत गोप्या दंत मोहर्नेत्रम युग्ममृदांतम करांबोज जोगमेना सातंक नेत्रम मोहर्श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ ग्रैव दामो तरंग भक्ति इति दृक्षाली लाभे रानंद कोंडे सोगो समनिमायंत माख्या पयंत अधिये सितागेशो भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्बम न चन्न ब्रेणेहम वरे सादपेहम इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मना चावी रास्ता की मे दंत मुखाम्भोज मव्यक्त नील भ्रीता कुंतल सिद्ध रक्त गोप्या मोहुश्चुंबितं बिंब रक्ताधर मे मन चिरास्ता दामोदर अनंत विष्णु कृपा दृष्टि भ्रष्टाति दिन बतानो गृहणि समात्म जाओ बद मुक्त जद कया मचि तो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति नमक ग्रह मृष्टि दामोदरे नमस्त सुदामने सुरदित दियोदराय तिश्वस नम राधिकाय तदिय प्रिया नमनंत लीलाय देवाय राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा साढ़े स्वामी अष्टक निकाल 161 पेज कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो प्रेम धीरा धीर दिना प्रिय प्रिय करो
निर्मातर पूजित हे चैतन्य कृपा भरो तारक वंदे रूप सनातन रघुगो श्रीदेव गोपालको नाना शास्त्र धर्म संस्थापक लोकानामितकारिणौ त्रिभुवने मानव शरणा करो राधा कृष्ण पदार बिंद भजना नंदे नमः तालिको वंदे रूप सनातन रघुगो श्रीदेव गोपालको श्री गौरांग गुणानन बन्नो राधा समृद्धनितो पाप ताप निकृत नौ तन वृता गोविंद गानामृत आनंदावुधिवर्धन निपुणो चंदन तारको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीदेव गोपालको त्यक्त्वा चूर्णमशेषमण्डलपति भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया गोपीन कंठाश्रितो गोपी भावरसदामृतं हरि कलोलमग्नौ वंदे रूप सनातनो रघुयो श्रीदेव गोपालको पूजत कोकिलांश सारथगणा मयूराकुले रत्न दिवद मूल विषभुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशौ प्रभजतो जीवार्थ जो मुदा वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीदेव गोपालको संख्या पूर्वक नाम गान नति आरावसानी कृतो निद्रार विहार काद विजितो सातंत जीन चजो राधा कृष्ण गुणान नंदे न सन्भुतो वंदे रूप सनातन रघुयुगो गोपालको राधा कुंड तटे कलिंदि कन्या तेरे चवंशी बटे प्रेमन माधव साध से सदसया सौ प्रमतौ सदा गायंतौ चकारे गुणवर आवा विभूतौ मुदा वंदे रूप सनातन रघुयो गोपालको हे राधे ब्रज देव के चरणते आनंद सुना कुता गोवर्धन पाद महावीर लो वंदे रूप सनातन रघुयो जय खड़ग स्वामी जय खड़ग स्वामी खड़ग स्वामी जय खड़ग स्वामी कौर प्रेमानंद धैर्य थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरामुदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि
गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। बैठ जाओ बैठो कथा सुन बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो कहाँ गए दो गोपी हाँ तुम बैठे हाँ आ जाओ 10 मिनट कथा आओ 10 मिनट कथा सुन लो फिर प्रसाद बना देना। चौकीदार का मन कथा में लगाने जा दिया आपने बिठाया ना उसे बैठा ने कोई काम में भेजा। हाँ सर सुन लो हाँ देखो ये जो ग्रंथ है हाँ कहते ये जो ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद का उपदेशामृत है। भक्त लोग अलग अलग समय पर प्रभुपाद को अलग अलग क्वेश्चन किया क्योंकि जो भक्ति मार्ग में ये भक्ति मार्ग यह कोटि कंटक रुद्ध है जो भक्ति का जो मार्ग है वो करोड़ कांटा युक्त है। इसलिए कहते भक्ति कर तो प्रति हर पद पद में बाधाई है। इसलिए प्रभुपाद को उनका शिष्य लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न किया और उनने जो अलग अलग उत्तर दिया है कहते ये प्रभुपाद का उपदेशामृत है। कहते अगर इसको हम श्रवण करेंगे कहते ये प्रभुपाद कहाँ से आए बोलिए गोलोक वृंदावन से राधा रानी को द्वारा आदिष्ट होकर के हम जैसे पापी तापियों को उद्धार करने के लिए प्रभुपाद इस जगत में आए हैं। अगर इनकी कथा सुनेंगे तो वो आए किसी लिए हमको ले जाने के लिए गोलोक वृंदावन तो इनको कथा सुनेंगे तो हम क्या करेंगे एक दिन हम अपना धाम में अपना घर में एक दिन वापस जा सकते हैं हैं। इसलिए उसमें बहुत सारी प्रश्न हैं आज हम एक दो प्रश्न और उसको उत्तर सुनेंगे। किसने प्रभुपाद को उत्तर प्रश्न किया है अंतरदर्शन क्या विशेष प्रयोजन है। अंतरदर्शन मतलब होता है अंदर में देखना है ये क्या विशेष जरूरी किया है तो प्रभुपाद कहते निश्चय। इसलिए जब तक हम अपना अंतरदर्शन नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी जो इंद्रियों का जो वृत्ति है ना हर समय बहिर्दर्शन करता है वो अंतरदर्शन नहीं करता है हर समय वो बाहर चीज को देखता रहता है हैं। इसलिए बिल्लो मंगल लास्ट में उन्होंने आँख ही फोड़ दी। इसलिए जब उन्होंने एक वेश्या के प्रति आसक्त थे हैं पिताजी का श्राद्ध का दिन था लेकिन वो वेश्या के बगैर रह नहीं सकता है एक नदी पार करके उसको आना पड़ता है। लेकिन पिताजी का क्रियाकर्म करते करते लेट हो गया और जो आया रात हो गया था बारिश हो रही थी नदी लपालप भरा हुआ था लेकिन उन्होंने क्या किया नदी कैसे पार होगा एक शव था हैं मरा हुआ शव उसको समझ लिया ये कोई सूखी लकड़ी और उस शव को सहारा करते 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 शव देखना जब फूल जाता है ना शरीर पानी में फूल जाता है हैं उसको सहारा करके नदी पार कर लिया। लेकिन अभी जो चिंतामणि जो वेश्या थी जिसको प्रति आसक्ति था वो अभी रात हो गया घर बंद करके सो गया दरवाज़ा खटखटा गया तो खोला ही नहीं एक सर्प एक बिल को अंदर में घुसा हुआ था अगर सर्प बिल में घुस जाए ना आप उसको पकड़ करके निकाल नहीं सकते हो। उसने सर्प को समझ लिया ये कोई रस्सी है और रस्सी समझ करके दीवार चढ़ गया दीवार में चढ़ करके जब उस नीचे कूदा धड़ांग करके आवाज़ हुआ वो बेसिया ने आँख खोली उनने बत्ती जलाया दो ये बिल्लो मंगल बोले ये क्या है तुमने आया कैसे बोले लकड़ी की सहारा से देखा तो सब है बोले चढ़ा कैसे बोले रस्सी था बोले रस्सी कहाँ से आया बोले सर्प है। तो उसने कहा तुमने ये शरीर किस चीज़ से बनी हुई है टाटी पेशाब खून पीकर और कुछ है ही नहीं ऊपर में एक चमड़ा केवल ढका हुआ और कुछ नहीं पेट को फाड़ दोगे ना यहाँ कोई भी नहीं बैठेगा सब भाग जाएंगे उस चूँकि चमड़ा से ढका हुआ है ना इसलिए बड़े सुंदर दिख रहा है। इसलिए गोस्वामी जी बोले
खिति जला पाप का गगन समीरा पंचर अचित ये अधम शरीरा, इसको उन्होंने अधम शरीर बताया। सवेरे उठो, मुंह से बदबू, नाक से बदबू, आँखों से बदबू, नीचे से बदबू, बदबू बदबू है। ब्यूटी पार्लर में जाओ, खूब सजो, केवल 10 मिनट बाहर धूप में चले जाओ ना, बाहर पसीना निकल जाएगा, सारे श्रृंगार खत्म। इसलिए उन्होंने जो वेश्या थी वो बड़े कलाकार थी, बड़े संगीत गाती थी, इसलिए उसको भक्ति के बारे में पता था। तो उन्होंने उसको थुत्कार दिया, बोले तुम ये टाटी पेशाब शरीर में इतना आसक्ति, इसका एक आना अगर भगवान की चरण में आसक्ति कर देता तो पर बेड़ा ही पार हो जाता, बेड़ा ही पार जाता। बस धक्का लगा, भले बात सही कह रहे, सब छोड़ कर भजन के लिए निकल गया। भजन कर रहा था लेकिन पानी पीने के लिए कुआं में गया, कोई सेठानी क्या कर रही थी, पानी निकाल रही थी कुएं से, वो सेठानी पानी निकल रही थी तो उसके हाथ में पानी पिए तो उसका रूप देख कर फिर आसक्त हो गया, फिर आसक्ति हो गया, आसक्ति हो गया। तो सेठानी जब पानी लेकर गई उसको पीछे 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 पीछे, उसका दाढ़ी मोच हो गया था, उसको पीछे पीछे सेठानी तो जल्दी जल्दी भाग कर घर में घुस गई, बोली बाबा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, और बाबा पीछे पीछे पहुँच गया। सेठ आया, दिखाया गया, संत खड़े हुए, उसका संतों को सेठ के प्रति भक्ति भावना थी, बोले बाबा आपको क्या चाहिए, बोले थोड़ा अपना पत्नी को बुलाओ। पत्नी को बुला, बोले मैं नहीं जाऊंगी, वो बाबा मेरे को कुएं से फॉलो कर रहा है। बोले मैं हूँ ना संत है, आओ। जो आए, बोले बाबा क्या चाहिए इससे, पहले जो माता है ना जो केस होती थी बांधती थी उसमें पीन से, पीन में देखना पीन से उसको बांध देती थी, बोले हाँ नोकीला होता था पीन होता है, बोले वो दो पीन हमें दे दो। बोले ये क्या करेगा, बोले दे दो, बोले दे दो निकाल करके। उनने उसको सामने आग फोड़ दिया, बोले न रहेगा बाँस न बजेगी बंसुरी, ये आग है ना, जितनी ये आग जितनी, इसलिए हम भजन के लिए जो बैठते हैं ना किस चीज़ का हमारी याद आता है, ये आँखों से हमने जो जो चीज़ को हमने देखा है, बाँस इधर माला भी चल रही है, इधर मुँह भी चल रही है, और मन अपना काम कर रहा है, मन अपना जो जो चीज़ को देखा हुआ, हाँ गंदी गंदी चीज़ को, जो चीज़ को उसने देखा वो अंदर में डालता रहता है, वही चीज़ को याद करता है। इसलिए कहते हैं ये जो बहिर्दर्शन को प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बहिर्दर्शन छोड़ो, छोड़ कर क्या करो, बोले अंतर दर्शन करो, अपना अंतर में दर्शन किसको, बोले भगवान को करो, हैं भगवान को करो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भोग्य दर्शन आकार दर्शन बहिर्दर्शन छेड़े दिए अंतर दर्शन विशेष दरकार आछे। यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारी भोग का जो वृत्ति है, दुनिया की जो आकार का जो दर्शन, और जो बाहर का जो दुनिया के दर्शन हैं क्या करो, छोड़ करके अंतर दर्शन करो, अंदर में जो भगवान उनको देखो। जितने हम बाहर का चीज़ देखेंगे ना आँखों से, उतना ही ये भक्ति में प्रतिकूल। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इनका जीवन में आता है, जिस समय इन्होंने श्री हनुमान जी को साथ में साक्षात्कार हुआ, हनुमान जी बोले क्या चाहिए हमें, बोले राम दर हाँ भूत को, बोले भूत को जब दर्शन हुआ बोले हमें प्रभु राम का दर्शन करा दो, बोले जाओ हनुमान को पास में जाओ। हनुमान को पास में गए तो उन्होंने हनुमान जी का कृपा उनको मिला, जब हनुमान की कृपा मिली, लेकिन जो तुलसीदास जी जो वो चलते थे वो कभी सर ऊँचा नहीं करते थे, कभी ऊँचा नहीं करते थे, नीचे देखते थे, कितना अपना पैर से 2 मीटर आगे देखते थे, क्यों उसको पैर को नीचे कोई कीड़े मकोड़े नहीं आ जाए, वो ऊपर नहीं देखते थे, नीचे चलते चलते जाते थे। यहाँ शिक्षा देते संतों का ऐसे भावना होनी चाहिए, क्यों जितने हम ये दुनिया का चीज़ देखेंगे ना इधर उधर चीज़ को, उतना ही जंजाल है, उतना ही जंजाल है, उतना प्रभु का प्रति भक्ति व प्रभु से मन उतना हट जाता है जितने ये दुनिया के चीज़ को देखेंगे। इसलिए संत लोग पहले कभी ऊपर आँख उठा कर नहीं देखते थे, अभी भी कुछ साधु लोग हैं जब चलते हैं केवल पैर को नीचे, क्यों जितना दुनिया देखेगा आँख वही चीज़ को देख देख करके अंदर में वही चीज़ डालेगा, फिर भजन करने के लिए बैठोगे तो वही चीज़ दर्शन आएगी। इसलिए गोस्वामी जी सर उठा करके नहीं देखते थे, सर नीचा करके चलते थे, हैं इसलिए उनको सामने प्रभु राम आए लक्ष्मण आए सामने, लेकिन कहते ना चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, इसलिए उन्होंने तिलक सब उसको लगा रहे थे लेकिन किसको देख नहीं रहे थे, क्यों नहीं देख रहे थे, देखेंगे तो जिसको देखेगा तो वही हृदय में जाएगा ना,
पर वही चीज़ को याद करेगा ना, इसलिए मना करते हैं हमें ज़्यादा इधर उधर चीज़ को मत देखा करो। और जो उधर उधर चीज़ देख रहे हैं ना, वो सारे अंदर में संस्कार डाल रहे हैं। इसलिए जो मोबाइल फोबाइल है, ये सारे जितने भजन का, इससे बड़ा प्रतिकूल दुनिया में और कुछ है नहीं। सबसे बड़ा प्रतिकूल है ये चीज़, क्योंकि जो चीज़ देखेंगे हैं वही चीज़ अंदर सोचेगा। इसलिए इसे मोबाइल फोबाइल को हमें त्याग दे देनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं। अगर भक्ति नहीं करना चाहते फिर तो हम जो कुछ करना हम कर सकते हैं, हम जो कुछ करना कर सकते हैं, हैं। इसलिए अगर है इसमें कोई गुरु जी कथा सुनो, कोई अच्छी कोई कथा उचित हो, लेकिन हम बद्ध जीव है ना, पहले उसका निकालते ही इधर उधर चीज़ें आती हैं उससे, हैं, हमारा गड़बड़ फिर हमारा जो मन है वो गड़बड़ प्रति ज़्यादा है, अच्छी चीज़ में ज़्यादा है ही नहीं, वो गड़बड़ी चीज़ में ज़्यादा है। और जितना चीज़ हम देख रहे हैं वही सारे संस्कार अंदर में, सारे उसी संस्कार। इसलिए श्री अजामिल कितना बड़ा त्यागी था, कितने सारे संस्कार था, सारे गुण था, लेकिन एक बार उसने केवल एक वेश्या और एक शूद्र को मिलते हुए उसने एक बार केवल देख लिया, सारे भजन खत्म। पत्नी को त्याग दिया, वेश्या को साथ में रहा, उसका हाथ में अमेध्य कुमेध्य खाया, हैं, और पतन हो गया पूरा, पतन हो गया। इसलिए जो चीज़ है ना, ये जो ये चीज़ जीव को साधु जीवन से पकड़ करके गृहस्थ में खींच कर ले जाता है, क्योंकि जो चीज़ देखेगा वही चीज़ को याद करेगा। भोग चीज़ देखेगा तो भोगने का इच्छा करेगा, फिर ये क्या करेगा, एक दिन तुमको साधु का जीवन समाप्त कर देगा, समाप्त करके एक दिन तुम्हें गृहस्थ जीवन में ले जाएगा। ये इतनी गड़बड़ी चीज़। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बहिर्दर्शन और आकार दर्शन, भोग दर्शन को छोड़कर क्या करो, अंदर दर्शन करो, अपना अंतर दर्शन करो। अंतर दर्शन ना होले बहिर्दर्शन थागवे ना, हैं। इसलिए कहते हैं जब तक तुम अंतर का दर्शन नहीं करोगे ना, फिर तो तुमको बाहर सारा दुनिया देखने की इच्छा करेगी, सारा दुनिया देखने की इच्छा करेगी। इसलिए कहते जो बाहर दर्शन तो माया दर्शन है, हैं, जो बाहर दुनिया ये माया सब सजा धजा करके रखा, बोले क्यों, जीवों को अपना बंधन में डालने के लिए रखा। इसलिए जितना हो सके बाहर दर्शन को छोड़ कर क्या करो, समय है हरिनाम ज़्यादा से ज़्यादा करो। और ये महीना पुरुषोत्तम महीना है, हैं, इसलिए इसी महीना में तो साधु लोग एकदम नियम करके गिरिराज परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, 100,000 हरिनाम, कोई 2-2 लाख का हरिनाम, हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करते हैं, भगवान की नाम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए दूसरे महीना में हम जितने भजन करते हैं, इसी महीना में ज़्यादा स्तुति स्तव कीर्तन, हैं, इसको ज़्यादा और ज़्यादा जितने करते हैं हर समय में जितना, इसी महीना में थोड़ी सी ज़्यादा भक्ति बढ़ाओ, थोड़ा ज़्यादा भक्ति बढ़ाओ, हरिनाम इसी महीना में थोड़ी सी संख्या बढ़ाओ, हैं। इसलिए महाप्रभु बोले जब तक लखपति नहीं बनोगे हम खाना नहीं खाएंगे, तब प्रभुपाद यहाँ पर टीका लिखते हैं, बोले क्यों महाप्रभु, क्यों बोले लखपति, मतलब 100,000 हरिनाम नहीं करोगे तो खाना क्यों नहीं खाएंगे, कारण क्या, तो प्रभुपाद कहते तो क्यों बताए, बोले 100,000 नाम करने के लिए तुमको 6-7 घंटा लग गया, जब तुमको 6-7 घंटा लग गया तुम्हारा समय कहाँ इधर उधर बात करने के, तुमको दुनियादारी करने की तुम्हारी बात कहाँ, समय कहाँ है, और दुनियादारी बात करोगे तो भगवान का हाथ खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, भक्त मेरे को भक्ति पूर्वक जो देता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ, अभक्त का हाथ से मैं नहीं खाता हूँ, हैं। भगवान कहते हैं भक्ति पूर्वक जो देते खाते हैं, भक्त कौन है जो हर समय मत कथा मत गता चिंता बोधयंत परस्पर, हर समय मेरी कथा मेरी चिंता मेरी भक्ति में जो रहता वो मेरे भक्त है, और दुनियादारी चीज़ में रहता वो मेरे थोड़ी भक्त है, भक्त है ही नहीं वो, धन्य फिर मैं थोड़ी भूखा हूँ। दुर्योधन की मेवा त्याग साग विदुर घर खाए, दुर्योधन का मेवा क्यों त्याग दिए, विदुर घर में क्यों खाए, क्यों भक्त हैं। सबरी के झूठा बैर ठाकुर ने क्यों खाए, वो भक्त हैं, हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु क्यों बोले लखपति बनने के लिए, प्रभुपाद क्यों बोले, कारण यही है भगवान केवल भक्तों का हाथ का खाना खाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 100,000 रोज हरिनाम करे तो उसका समय है ही नहीं बहिर्मुख दर्शन करने का, हैं, दिन भर उसी में ही उसको पूरा रमना पड़ेगा उसको भक्ति में। नाम भगवान, भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं, एक ही है, हैं, भगवान नाम का फर्क नहीं। अगर कोई व्यक्ति 6-7 घंटा अगर प्रभु का नाम जप करे, बस कल्याण कल्याण ही, मंगल मंगल ही तुम्हारे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं खामेर अभ्यंतरस्त चिट्ठी रिषय उद्गिरी भोले
बाहिरेर खाम खाना देखबार आर अवसर थाके ना। इसलिए यहाँ पर के जैसे प्रहलाद महाराज को बोले, तेरे भगवान कहाँ हैं, हैं तेरे भगवान कहाँ हैं, पहले तेरे भगवान को दिखाता हूँ बाद में तेरे को दिखाऊंगा, बता तेरे भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने बताया, बताओ मेरे भगवान है ही नहीं कहाँ तो बताओ, मेरे भगवान है ही नहीं कहाँ तो बताओ, बोले क्या खंभे को अंदर में है। प्रहलाद ने कहा मेरे को तो दिख रहे हैं भगवान, बैठ कर मुस्कुरा रहे हैं, नरसिंहदेव प्रकट हो गए वहीं को, भक्त कह रहे ना हाँ क्या श्लोक है, सत्य भक्तम भाषितम विदधात पदम, मतलब भक्त अगर बोल दिया भगवान है, भगवान वहीं प्रकट हो गए, उन्होंने देखा साक्षात रूप में नरसिंहदेव प्रकट है, मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया मारे खंभे के ऊपर में, ठाकुर जी खंभे फाड़ करके प्रकट हो गए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं प्रहलाद का दर्शन किया था सर्वत्र भगवान, जहाँ देखे वहीं भगवान भगवान, इसलिए दर्शन होने का नाते क्या होता था, फिर उसका बहिर्मुखा दर्शन नहीं होता था। जब हम भगवान को नहीं देखेंगे फिर तो दुनिया इधर उधर चीज़ देखेगा, लेकिन अगर हम भगवान को हर चीज़ में भगवत अनुभूति अगर हमारी होगी फिर तो दुनिया की दर्शन हमारे खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं हैं इसलिए अभ्यंतर का विषय हो तो फिर बाहर का दर्शन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। विश्व के भगवत सेवक रूपे दर्शन हले आमादेर बहिर्दर्शन थाकबे ना, विश्वेर सर्वत्र ही भगवान विराजित प्रत्येक हृदय भगवानेर बसति स्थल। इसलिए कहते हैं सभी का हृदय में भगवान के निवास है, ठाकुर जी सबका हृदय में भगवान रहते हैं। कहते विश्व के भगवत सेवक रूपे दर्शन हले आमादेर बहिर्मुख दर्शन थाकबे ना, अगर हम हर चीज़ को भगवत सेवामय देखें, जैसे हम मार्केट करने के लिए गए कोई बढ़िया कपड़ा देखे, साधारण व्यक्ति क्या करते हैं, बढ़िया कपड़ा अगर साड़ी देखा इसको हम पहनते तो कितना सुंदर दिखता, नहीं तो हमारा बेटा को के लिए लेता ना बहू के लिए इस सोचते हैं ना। लेकिन जब भक्त लोग कोई बढ़िया साड़ी देखे, अगर ये राधा रानी के लिए होता तो राधा रानी कितने प्यारी लगती हैं, अगर ये साड़ी कपड़ा अगर हम कृष्ण के लिए अगर बना तो कितना अच्छा लगता हैं। बाजार गए मार्केट करने के लिए, देखा नए नए सुंदर सुंदर फल है, बोले अरे नया फल उठाए पहले ठाकुर के लिए लेनी चाहिए, किसके लिए लेनी चाहिए, ठाकुर के लिए लेनी चाहिए फल, भले जितना पैसा हो थोड़ी सी भी हो उसको लेकर के हम ठाकुर जी के लिए ले जाएंगे। लेकिन साधारण लोग क्या सोच, अरे बढ़िया नया फल चलो आज खाएंगे हैं, चलो उसको फीस्ट बनाए खाएंगे, किसका बढ़िया घर देखा, बोले अरे बड़े सुंदर घर है, अगर मेरा घर ऐसे होता तो बढ़िया होता। लेकिन भक्त लोग क्या सोचते, नहीं मेरा घर नहीं, अगर ठाकुर जी का अगर ऐसे घर होता है ना हैं, ठाकुर जी के लिए अगर ऐसे घर होता तो कितने सुंदर होता, ठाकुर जी का घर होता तो। किसके घर में गए फर्श को देखा बोले वाह कितना सुंदर फर्श बनाया देखो क्या गजब की। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है, अगर ठाकुर जी का मंदिर ही अगर हम ऐसे बनाते तो वो कितना सुंदर दिखता, ठाकुर का कितना सुंदर दिखता। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते जो भक्त का जो दर्शन है हर चीज़ में वो भगवत दर्शन करता है। अगर ये चीज़ बढ़िया चीज़ है, अरे ठाकुर जी के लिए इसको सल को ठाकुर जी के लिए ले चलो, ठाकुर जी को ओढ़ेंगे हैं, ये चीज़ ठाकुर को सेवा में लगाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं अगर हमारी जो बहिर्मुख दर्शन तक छोड़ करके अगर हम इसको अंतर्मुख दर्शन कर ले, हर चीज़ को भगवान वैष्णव गुरु जी की सेवा के लिए अगर कर ले तो बस बड़ा ही पार है। इसलिए बड़ा इसलिए कहते हैं हाँ इसलिए कहते हैं अमार हृदय मंदिरे भगवान सतत अवस्थान करते छेन, मतलब हमारे हृदय में भगवान हर समय हृदय में निवास कर रहे हैं, अमा के सेवा सुजोग प्रदान करवार जन्ने यही चिंता बा दर्शन प्रबल हले आत्मवत मन्यर जगत न्याय सर्वत्र इष्ट दर्शन हवे, तखन यार बहिर्मुख इतर दर्शन लघु दर्शन विश्व दर्शन थाकबे ना, तखन विश्व पूर्ण सुखायते मने हवे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आमा के सेवा सुजोग प्रदान करिवार जने यही चिंता बा दर्शन प्रबल हले, इसलिए हमारी भावना क्या होनी चाहिए, भगवान क्या कर रहे हैं, कहते भगवान हृदय में सभी का हृदय में भगवान का निवास है, इसलिए हमें क्या सोचनी चाहिए, भगवान हमें अपना सेवा की सुजोग दे रहे हैं, ऐसे नहीं सोचे अरे हमने ये अगर नहीं करता ये चीज़ थोड़ी होता, हमने किया है ना तभी तो ये चीज़ हुआ, किसने किया, मैंने किया है,
इसलिए बकीर मैं करता है इसलिए मरता है, इसलिए ऐसी भावना भक्तों का नहीं है। भक्त हृदय में से नहीं, भगवान ने कृपा करके हमें सेवा का सुजोग दिया है, हैं, ठाकुर जी ने हमें सेवा की सुजोग दिया है, सब तो उसी का ही है ना, हमारा थोड़ी है, हैं, वो मिनट में दे सकता है, मिनट में ले सकते हैं, उनको देने में भी समय नहीं लगता, लेने में भी समय नहीं लगता है ठाकुर जी को, इसलिए दिया किसी ने, ठाकुर ने दिया, सब ठाकुर जी को, इसलिए ये सोचनी चाहिए ठाकुर जी हमें अपना सेवा की सुजोग हमें दिया है, भगवान की कमी थोड़ी है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी अनंत वैकुंठ है उनकी, अनंत वैकुंठ, कितने लक्ष्मी आकर सतस सत संभ्रम सभ्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम, जहाँ पर करोड़ों करोड़ लक्ष्मी जहाँ पर भगवान की चरण की सेवा कर रहे, हमारे लिए उनको कोई जरूरत नहीं है, जरूरत उनको नहीं, जरूरत हमारी है, जरूरत हमारी, अगर हम ठाकुर जी की थोड़ी सी कुछ सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, हमारी जीवन धन्य होगा, ऐसे नहीं हमने किया है ना तभी तो होता, नहीं होता तो थोड़ी हो जाता। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कद सुजन प्रकार यही चिंता, कद ये चिंता हमारे अंदर में प्रबल होनी चाहिए, हैं, फिर क्या होगा, फिर सर्वत्र हम भगवत दर्शन सर्वत्र करेंगे, भगवत सेवा के लिए चेष्टा करेंगे, तखन आर बहिर दर्शन था कि बना, मतलब तभी, और ये बाहर का दर्शन नहीं होगा, हम जो कुछ कर रहे आत्मा आत्मना आत्म कल्याण करने के लिए कर रहा हूँ, हैं, इसलिए इतर दर्शन लघु दर्शन था कि बना क्या हवे, विश्व दर्शन था कि बना तखन विश्व पूर्ण सुखायते, सारा दुनिया आनंद आनंदमय लगे, सब कुछ भगवान का है, ठाकुर जी की सेवा के लिए सारे वस्तु है, जब हम उनके सारे सेवा करेंगे पूर्ण सुखायते विश्व सुखायते, सारा दुनिया आनंद आनंदमय दर्शन करेंगे। हाँ, उनका और एक कथा सुन लेते हैं, और एक क्वेश्चन है, क्या हम लोग अपनी आप को रक्षा कर सकते हैं, किसी ने प्रश्न किया, क्या हम लोग अपनी आप को रक्षा कर सकते हैं क्या, तो प्रभुपाद कहते बोले कखन ही ना, बोले एकदम नहीं, हम अपनी आप को रक्षा नहीं कर सकते हैं, रखने वाले कौन है, जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई, इसलिए प्रभुपाद बोले कखन ही ना, हमें निजे के रक्षा करो या अभक्त असुरेर विचार, कहते जो लोग सोचते हैं अरे हम अपने आप को रक्षा कर लेंगे, कहते विचार किसका है, बोले अभक्तों का, राक्षसों का विचार है, हैं, ये भक्तों का विचार नहीं, ए रूप कुविचार आसले विपद, जब हमारा जीवन में ये भावना आए हम अपनी आप को रक्षा कर लेंगे, ये क्या है, कहते विपद तुम्हारे जीवन में, इसलिए कृष्ण ही अमार रक्षा करता, हमारी रक्षा कौन कर सकते हैं, भगवान कृष्ण ही हमें रक्षा कर सकते हैं, हैं, इसलिए सुतराम आमार आभार आभार भय किसेर, यहाँ पर कह रहे अगर भगवान कृष्ण अगर हमको रक्षा करते अगर ये भावना आए फिर हमारा डर किसके लिए, कोई डर भय नहीं है, डर भय नहीं, भक्त प्रहलाद रनाए ये विचार सुविचारनीय ग्रहणीय, ऐसे विचार किसका था, भक्त प्रहलाद का, इसलिए उसको पिता राक्षस को आदेश दिया उसको मार डालो, ये मेरे शत्रु है, ये मेरे पुत्र नहीं, ये शत्रु मेरे पुत्र रूप में आया मेरे को मरवाने के लिए, इसको मार डालो, जितने राक्षस थे सब टूट पड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के, लेकिन प्रहलाद भगवत स्मरण में बैठा हुआ, उसको पूर्ण विश्वास किया ठाकुर हमें रक्षा करने वाले, इसलिए भगवान उसको कैसे बैठे, उसका अपना गोद में लेकर बैठे हुए, जैसे माँ किसी बच्चे को अपना गोद में लेकर बैठती है, जैसे बच्चा किसी माँ की गोद में अगर हो ना, बच्चा क्या सोचते, मैं सुरक्षित हूँ, माँ मेरे को रक्षा करने वाली, इसलिए जगत का माँ तो भगवान है, हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं भक्त प्रहलाद न्याय सुविचारणीय ग्रहणीय, इसलिए भक्त प्रहलाद का जो विचार है यही विचार है, सुविचार है, यही विचार हमें ग्रहण करनी चाहिए, तो फिर भगवान क्या करेंगे, फिर हमें पूर्ण रूप में भगवान हमें रक्षा करेंगे, भगवान रे कथा ही उदासीनी हले एवं भगवान रूप निर्भरता कमे गेले नाना कुविचार अहंकार ऐसे हमारे विपद करवे, ये सब बंगला है, इसलिए बंगला भाषा सीखने का जरूरत है, इसलिए बंगला की जो मूल भाषा है ना बंगला भाषा है, इसलिए बंगला थोड़ा पढ़ना सीख लो, हैं, और बंगला थोड़ी सी ग्रंथ पढ़ो उसको सीखो, क्योंकि ये जो प्रभुपाद का है ये मूल बंगला भाषा में, इसका किया हिंदी में, लेकिन जो मूल भाषा में प्रभुपाद जो बोला उसमें,
प्रभुपाद का मुंह जो बोला उसको ट्रांसलेशन है किया है, लेकिन पूर्ण रूप में उसका जो भाव उसमें अभिव्यक्ति नहीं, लेकिन ये प्रभुपाद जो बोले हैं अपना मुंह से ये वस्तु है। इसलिए जब बंगला सीखेंगे फिर क्या होगा, वो उसका गहरा को समझ सकते हो क्या ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ, इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते भगवान कथा में उदासीन नहीं होनी चाहिए, कथा में उदासीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसको जितने कथा में रुचि है ना उसका भक्ति में समझना उसका उतना रुचि है, और जिसको कथा में रुचि नहीं देखना उसको भक्ति में कभी रुचि नहीं हो सकता। तुम देखना जो कथा ध्यान से सुनता है इसका मतलब है, इसी जगत में देखना एक लड़का लड़की को प्रेम करता है, एक लड़की लड़का को प्रेम करता है, अगर वो लड़की का बात हो ना उसका कान खड़ा हो जाता है, क्यों, उसको प्रेम करता है। वो लड़का का बात हो तो लड़की की कान खड़ी हो जाती है, बोले क्यों, मैं जिसको प्रेम कर रही हूँ उसकी बात हो रही है, हैं, इसलिए कान खड़ा हो जाती है। उसी तरह कहते धर्म सुनिष्ठित पुंसांग विश्व सेन कथा सुच न उत्पात यदि रति श्रम एवं ही केवलम। इसलिए भक्ति भी दूसरे में तुम्हारी रुचि, लेकिन भगवान की कथा में तुम्हारी अच्छी नहीं लगती, रुचि नहीं, भक्ति तुम्हारी दृढ़ भक्ति नहीं, वो भक्ति दृढ़ नहीं। अगर कथा में तुम्हारी रुचि है ना बास, क्योंकि कथा में ही सारे ज्ञान की बात है, उसमें सारे ज्ञान की बात, अगर कथा तुमने सुन लिया तो हैं। इसलिए मैंने कल देखा कुछ लोग तो थे कलश यात्रा तक, लेकिन कथा होती झट निकल कर चले गए, कारण क्या है, कथा में रुचि नहीं, मतलब उसको भगवान में रुचि नहीं। अगर भगवान में रुचि होता तो बैठ करके उसकी कथा को सुनते, कथा में रुचि नहीं मतलब भक्ति में उसकी रुचि नहीं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते भगवान कथाएं उदासीन नहीं होनी चाहिए, भगवान कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। इसलिए हमारे जो भक्तिवंत से नारायण गोस्वामी महाराज, जब किसी घर में हम जाते थे हम कीर्तन करने के लिए, अभी जैसे भक्त लोग आए ना घर में कीर्तन हो, उनको क्या खिलाएंगे क्या खोगा उसमें लगते थे, कीर्तन का समय जो कुछ कर ले, लेकिन जो कथा होती थी गुरुदेव बोलते थे अभी सारे काम को बंद कर दो, गुरुदेव बोलते थे सारे काम बंद कर दो, 10 मिनट मेरे को दे दो, अपना कान मेरे को 10 मिनट के लिए दे दो, गुरुदेव बोले 10 मिनट के लिए मेरे को दे दो, क्योंकि 10 मिनट के अंदर में जो ज्ञान की बात बताएंगे, बोले हम घर में तो भोजन करते हैं, यहाँ तो थोड़ी तुम्हारे घर में भोजन करने के लिए आए, हम भी अपना घर में भोजन करते हैं, यहाँ पर तो हमें कुछ लेने के लिए नहीं, अब तुम कुछ देने के लिए आए हैं, और ऐसे कुछ संपत्ति देने के लिए आए, जिस संपत्ति को तुम जीवन में प्राप्त करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु जी कहते थे सारे काम को छोड़ो, केवल मेरे को 10 मिनट यहाँ बैठो और अपना कान मेरे को दे दो 10 मिनट के लिए। फिर गुरु जी 10 मिनट के अंदर में जो माल देते थे गुरुदेव, हैं, उसका अंदर में जो बात देते थे, ये जीवन किया भगवान, जीवन क्यों दिया, किस लिए दिया, जीवन पाकर हमें क्या करनी चाहिए, 10 मिनट के अंदर में उसको जो ज्ञान देते थे बस उसी से ही, हैं, जैसे अभी तुम लोग टिक्का तिलक भजन कर रहे हो, क्यों, कथा से, केवल ये भगवान कथा सुने हो, ये कथा ही तुम्हें भजन में ले आए, केवल कथा और कुछ नहीं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भगवान कथा में उदासीन नहीं होनी चाहिए, कथा में इंटरेस्ट रखनी चाहिए, हैं, उदासीन नहीं होनी चाहिए। कहते ये जब भगवान कथा में तुम उदासीन हो जाओगे फिर भगवान भक्ति में भी तुम्हारी उदासीन गई, कथा में अगर तुम्हारी इंटरेस्ट हो भक्ति भी तुम्हारी उतना, भक्ति भी उतना पक्की भक्ति होगी, हैं, पक्की भक्ति होगी। इसलिए कहते भगवान ऊपर निर्भरता कमे गले ही नाना को विचार आता है, जब भगवान के ऊपर में हमारा विश्वास खत्म हो जाए, मन के अंदर में तरह तरह का कुविचार आने लग जाती है, उल्टा पुल्टा विचार आता है, अहंकार आता है, तभी हमारे जीवन में तरह तरह का विपत्ति, तभी जीवन में सारी विपत्ति आकर आ जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं हमारा भावना क्या रहनी चाहिए, हमें रक्षा करने वाले कौन हैं, भगवान रक्षा करने वाले, ठाकुर रक्षा करने वाले, और कोई नहीं रक्षा करने वाले। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप लीला कर रहे थे, एक दिन उन्होंने विष्णु की खटिया के ऊपर बैठ गए, सारे सालग्राम को लेकर के महाप्रभु अपना गोद में लेकर बैठ गए, और बैठ करके महाप्रभु एक एक भक्तों को बुला रहे, एक एक भक्तों को बुला करके उनका जीवन ही बता रहे। एक भक्तों को बुलाए, हैं, बोले बेटा तेरे याद है एक समय मुसलमान, उस समय मुसलमान राजा तो था, अगर किसी हिंदू लड़की को देख लेते ना सुंदर ही है ना, उसको पर अत्याचार करते थे और उनको इज्जत ले लेते थे। एक समय वो भक्त था, मुसलमान ने आक्रमण किया गांव में, करने पर उसने मेरी बेटी बहू की ये इज्जत नहीं ले ले, उन्हें घर छोड़ कर गई, भाग गई, हैं,
घर छोड़कर उन्होंने भागे, भाग करके अभी चाहता है सामने गंगा, सोच रहे गंगा पार होकर के मैं उस पार चले जाऊँ, फिर मेरे बेटी बहू रक्षा हो जाएगी। अभी रात, हाँ एकदम रात में गया, घनाघोर रात, अभी गंगा बड़े नदी गए ना वहाँ, गंगा देखे कितने गहरा और कितने लंबी चौड़ी, अभी वहाँ बैठ रहे ठाकुर के प्रार्थना, बोले ठाकुर जी अभी मेरी बेटी बहू की जान बचा, मेरी बेटी बहू की इज्जत नष्ट हो जाएगी, लेकिन भक्त है भजन कर रहे हैं ठाकुरों को, भक्त भक्त तो भगवान को याद करते हैं। इतने में भगवान कृष्ण स्वयं आए, नाव लेकर ठाकुर जी आ गए और उनको नाव में बैठाया और उनको नाव पार कर दिया, जब पार कर दिया, लेकिन उसने क्या सोचा, कोई साधारण व्यक्ति नाव पार कर दिया। अभी चैतन्य महाप्रभु जब भगवान की खटिया के ऊपर बैठे करके सारे भक्तों को बुला बुला कर उनको जीवन और उनको भविष्य बात बता रहे हैं, तो उनका नंबर आया, बोले याद है एक समय मुसलमान ने आक्रमण किया, तू अपना बेटी बहू को घर से निकल करके गंगा पार होने के लिए पुकार रहे थे, मेरे को भगवान को पुकार रहे थे, मैंने एक नाविक बनकर नाव लेकर के आया और तुमको गंगा पार करा दिया। बोले प्रभु आप ही थे, बोले मैं ही था, भक्तों को रक्षा करने वाले मैं होना इसलिए मैं ही था। फिर तो महाप्रभु के चरण में फिर लौट पोट खाने लग गए, फिर प्रभु हमने इज्जत बचाया। श्री हरिदास ठाकुर जी को बोला, हरिदास याद है जिस समय तुम हरिनाम करता था और मुसलमान, उसी समय में मुसलमान राज्य, तो बोले खबरदार ये हिंदुओं का हिंदुवानी नहीं बोल सकते, अपना कलमा उच्चारण करो, लेकिन तुमने क्या बोला, अगर शरीर को बोटी बोटी करके काट भी डालोगे हरिनाम नहीं छोड़ूंगा और तेरे को 22 बाजार में तेरे को पिटाई किया, याद है? बोले हाँ प्रभु जी। बोले उसी समय तू मेरे को पुकार रहा था और तुम प्रार्थना कर रहा था इनके कल्याण को, और मैं सुदर्शन चक्र लेकर के आया था इनको मारने के लिए, लेकिन तुम इनका कल्याण सोच रहा था, मैंने अपना पीठ तेरे पीठ में लगा दिया, हाँ पीठ में लगा दिया, देखो मेरे पीठ में से दाग है, तेरे पीठ को मैंने पीठ में लगा दिया। वो तो रोने लग गए, जगाई माधाई का नंबर आया, फिर उन्होंने बोले याद है मैंने कहा अगर तुम सारे पाप को छोड़ करके मेरे नाम को ग्रहण करो तो सारे पाप ले लूँगा, बोला था ना? बोले हाँ। बोले उस समय महाप्रभु काले बन गए थे, गोरे से काले बन गए थे, बोले देखो प्रत्यक्ष देखो तुम्हारे सारे पाप को मैंने ग्रहण किया है। इसलिए कहते हैं अगर भगवान को हम सच दिल से भगवान को पुकारेंगे ना, फिर भगवान हमें रक्षा करेंगे। अरे एक समय नवद्वीप में महाप्रभु जो श्रीवास पंडित थे, उनको एक खबर मिला कि जो लोग हरिनाम कर रहे हैं उनको राज दूत आ करके पकड़ करके ले जाएंगे। मुसलमान राज्य तो था, बोले हिंदू धर्म उच्चारण नहीं कर सकता हरे कृष्ण नहीं, इसलिए महा वो दुखी हो गए, वो नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे, बचाए। महाप्रभु स्वयं वहाँ पर गए, महाप्रभु जा करके बोले कोई चिंता मत करो, हैं कोई चिंता मत करो, क्योंकि सभी के हृदय में कौन बैठा हुआ, मैं ही परमात्मा रूप में बैठा हुआ हूँ, सभी का हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हुआ हूँ। राजा जो बोलेगा मैं जब बुलवाऊँगा तभी तो बोलेगा ना, किंतु हृदय में तो मैं बैठा हूँ, मैं जब नहीं बुलवाऊँगा बोलेगा कैसे, मैं जब बोलूँगा नहीं तुम बोलो उसको पकड़ करके ले आओ भक्तों को तभी तो बोलेगा, अगर नहीं मैं नहीं बुलवाऊँगा तो कैसे बोलेगा। इसलिए चिंता की कोई बात मत करो, हैं बोले देखोगे। उन्हें प्रमाण दिखाया, उनका एक छोटी भाई की एक छोटी बेटी थी 5 साल की, बोले कृष्ण बोल करके रो तो वो नारायणी जिसने चैतन्य भागवत लिखी, उनने कृष्ण बोल करके ऐसे रोई दुनिया देख करके आश्चर्य में पड़ गई। बोले हृदय में मैं ही बैठा हुआ हूँ, मैं जब तक हृदय से प्रेरणा नहीं दूंगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगर हम सचमुच से शरणागत हो, हम कभी कभी होता है ना, हाँ भगवान को बुला रहे हैं, अगर भगवान रक्षा करेंगे तो, नहीं तो हमारा रुपया पैसा है ना, हमारा बेटा हो ना पति है ना, रक्षा करेंगे, हाँ भगवान को बुला रहे हैं ठाकुर जी बचाओ बचाओ, अगर भगवान आए रक्षा करें, नहीं तो हमारा परिवार है, हमारी जो भावना ना ऐसी भावना है, हैं पूर्ण रूप में भगवान के चरण में कंप्लीट सरेंडर नहीं है हमारी, इसलिए कमी हमारी अंदर में, कमी ठाकुर जी की नहीं, कमी हमारे अंदर में, सच दिल से अगर उसको पुकारेंगे भगवान हर समय तैयारी है। इसलिए हमारे उड़िया में एक भजन है, एका तू भक्त जीवन भक्त निमंत तोर शंख चक्र चिन्ह, एका तू भक्त जीवन, मतलब है भक्त ही जिनका प्राण है। भगवान सुदर्शन चक्र क्यों धारण किए, केवल अपना भक्त के लिए। कौमुदी गदा क्यों धारण किए, केवल भक्त के लिए। शंख चक्र क्यों धारण किए, केवल अपना भक्तों को रक्षा के लिए ही ठाकुर जी। इसलिए आप भगवान विष्णु को देखा कभी बैठे हुए देखे कभी, भगवान राम कृष्ण नारायण कोई बैठे हुए कहीं देखे हो कहीं,
कहीं नहीं नहीं देखोगे हैं, सारे ठाकुर खड़े हैं। बोले खड़े क्यों? बोले भक्त जब मेरे को बुलाएगा, फिर अगर बैठा होगा तो फिर खड़े होने के लिए समय लगेगा ना। बस भक्त बुलाते ही झट में तैयारी हूँ, भक्त बुलाए और मैं चल पहुँच जाऊँ। इसलिए भगवान हैं, इसलिए भगवान हर समय ठाकुर जी और नंगे पैर में, जूता पहने नहीं, राम कृष्ण कोई जूता नहीं पहने, नंगे पैर में ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी नंगे पैर में भाग जाते हैं, इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।